बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब्बास का खेल ट्रेवल एंड टूरिज्म यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम करते हैं। अच्छा जनाब, ये वीडियो है आज हमारा अयूब पार्क। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे कौन से ऐसे टैंक है और कौन कौन से ऐसे रेडार्स और चीज़ें हैं जो आपको अभी इस व्लॉग में हम दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कुछ पुराने हैं और गैस का अगर हम देखें तो ये लगा हुआ है कि आर्मेड रिकवरी व्हीकल ARV। ओके, तो इसमें लिखा है कि तैयार करने के लिए बुनियादी मुहैया और तकरीबन टेंटों के तमाम यूनिट्स जो कि M4 शर्मिंग टैंक से लैस थे, रिकवरी व्हील की तरफ से इनका हिस्सा थे। जंग या अजीम रिम के दौरान बड़ी तादाद में इनकी कैप तैयार की गई और 1975 तक मुतहदा फौज के ज़ेर इस्तेमाल में रहे। तो ये देखें, इसमें रफ्तार 38 किलोमीटर पी घंटा के हिसाब से चल रहा है। ओके, साख्ता और ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। एक अदद 0.3 मशीन गन इस तरह कुछ है। ये इसका देखे शेप है। मैं थोड़ा सा घूम फिर के आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसके ये टायर नुमा एरिया देखे और बाकी चीज़ें देखे। ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं अभी तो खैर ख़राब हो गए, इस तरह से तमाम है इस तरीके। अच्छा जी, ये अभी हम दूसरा एक वो है टैंक है, आई थिंक इसके तरफ आए हैं। चलें इसके देखते हैं कि क्या है इसका इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन में है कि ये टैंक है, हाँ, 10 हाई स्पीड आर्टिकल ट्रेकर शिरोम में 1992 के दौरान VS में M5 को M ये ज़्यादातर जो लोग फौज वगैरह में है उसको ज़्यादा पता होगा। अच्छा, 1942 से 1964 तक US आर्टिकल के ज़ेर तमाम पाकिस्तानी मीडियम आर्टिकल यूनिट के 1996 में M5 ट्रेकर दी गई है। ओके, इसमें ड्राइवर और 8 गनर्स इसमें आ सकते हैं। असलहा एक अदद 5-inch मशीन गन इसमें है। इसका जो स्पीड है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। बैट्समैन की ये स्पीड तो नहीं हो रहा, लेकिन ये जंग के लिए बस यूज़ हो रहे हैं। ओके, अच्छा जी, तो ये है एक और टैंक और ये भी कहते हैं कि एक ड्राइवर और 10 गनर्स इसमें होते हैं 50 किलोमीटर फर। और इसको हम कहते हैं हावनर्स शेरनी। अच्छा जी, तो ये शेरनी है। ओके, ये इस टाइप के देखें। अयूब पार्क में आप आएंगे ना तो अंदर इसके लिए अलग एक टिकट लेना पड़ेगा, वो टिकट्स आई थिंक छोटों के लिए जो है 30 रुपीज़ है और बड़ों के लिए जो है वो 50 रुपीज़ है। Thank you.
तो ये है जनाब हर किस्म के। कभी अगर आपको आना हो रावलपिंडी में तो आप ज़रूर वहीं पार्क आ जाएं। और ये जो पोर्शन है वाकई में मैं पहले नीचे जा मतलब आया था, लेकिन अंदर इस पोर्शन में नहीं है तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें हेलीकॉप्टर और ये हर किस्म के देखें हेलीपैड और ये सारे आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगे। तय किस्म का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से हैं और किस टाइप के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आप लोगों को ये दिखाने लगा हूँ, तो ये देखें ठीक है, ये इसके सारे चीज़ें हैं कि आप कौन कौन से हैं। L19 सीना कोई नाम से है। अभी इसको आप देखें तो इसमें सिर्फ वो एक टैंक है और बाकी दो बंदों के बैठने का जो है वो है। और ये आपको बताया जा रहा है कि लामा SA, ये भी आई थिंक USA का है। 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं। पीछे का सीट यहाँ से हटा दिया गया और ये पूरा इसका जो है वो ऑप्शन है वो आप सारे देख सकते हैं। अभी मैं अगर आप लोगों को लेके चलूं एक और उसके पास, तो ये देखें ये भी है और ये भी आप देखेंगे तो USA और कनाडा कंट्री ऑफ ओरिजिन मैन्युफैक्चर है। बेली हेलीकॉप्टर्स ने इसको बनाया और ये देख सकते हैं आप। और ये बाकी जो है एक दो है, तो आप इसको भी मैं आपको दिखाते चलता हूँ क्योंकि मुझे इतना वो नहीं है कि किस टाइप का है कौन सा है। और ये देखें आप, ये फ्रांस का बना हुआ है ये वाला। और ये एक बायर है जो कि ये कुछ लिखा हुआ है कि फॉर क्लोज, क्यों क्लोज किया गया है इसका तो पता नहीं लेकिन क्लोज कर दिया गया है। चलो इसको ना ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं। अंदर में तो वही जो गाड़ियों में सीट्स वगैरह होते हैं वैसे नज़र आएंगे आपको। और इस टाइप का जो है वो होता है, ये तो खैर सारे ख़त्म हो गए हैं, ये सारा ऑप्शन है। हाँ अभी जी हम अगर चलते हैं तो और की तरफ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ। हम ऐसा करते हैं इस वाले में चलते हैं, ये आपके को दिखा देते हैं। अच्छा जी, तो इसमें ये देखें आप, ये तकरीबन यहाँ तक है एरिया। और ये समझो 3-4 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 2 यहाँ पर बैठेंगे और 2 लोग जो हैं यहाँ पर ये बैठ सकते हैं। तो ये ऐसे वैसे करके बटन वटन दबा के इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी देखिए बहुत सारे बटन और ऑप्शन हैं, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है जो पायलट होगा उसको पता होगा। ये हाँ थोड़ा सा वो गाड़ी की तरह एक्सीलेटर और ये चीज़ें थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि आपने, मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ ऐसे आपने बैठना है। ये देखें ऐसे आप कर सकते हैं, तो होगा ऐसा कुछ मेरे ख्याल में, वो साइड भी हो रहे हैं। तो दोनों का आपस में कोई है कि मतलब जो 2 लोग बैठे होते हैं तो दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर एक फॉर एग्जांपल सो भी रहे या उसका ध्यान नहीं है तो दूसरा जो है उसको यूँ भी करके जो है ना वो पता चल जाता है कि हाँ वाकई में कुछ गलत हो रहे। और ये ऑप्शन है तो उसके हाथ में भी ये है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये किए है इसके साथ भी होता है। बाकी ये मीटर्स और चीज़ें आपको दिखाया जा रहा है और पीछे जो सवारी करने आए हैं तो वो वैसे बैठे हुए हैं। तो ये था जनाब सारा जो हेलीकॉप्टर के से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें थे। बाकी मेरे ख्याल में और कुछ है नहीं यहाँ पर इस पोर्शन में दिखाने का। तो उम्मीद रही आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा और
अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि YouTube और लोगों को फिर रिकमेंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में। जान भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।